हे हो भाई, इतना दिन जे कर लो विश्वास, सब ने तोरा छलने छौ, कोई ने तोरा अपनो भेलो छौ, बुझलो जात आ कर लखा घात, आबे तो कम से कम ये सुबरो जात पात के राजनीति छोड़ो। ये विश्वास पर जो खड़ा नहीं उतर लिया तो फिर तोरा बीच में हमें चुनाव मैदान में वोट मांगे ले जेबो। आरो एगो बात, हमरो ने कोई सारो ने कोई बहनो ने कोई भाई ठेकेदारी में जेतां ने कोई हमें कमीशन लेबो, जो कहीं सुनी लेबो तो तोरा जूता हमरो असर। अब एकरा से बेसी की कहियो, ये उपजो नहीं छा विश्वास तो फिर करो वह काम, फिर भोगबे तो जानो तो हमें की करियो। कि लोग मतदाता वोट आपको ही क्यों दें या आपको वोट क्यों दें? वोट हमको सिर्फ चेहरा दे के थोड़े दे रहे हैं, वोट तो 20 साल के जंगल राज से तंग होकर जनता ने एनडीए सरकार को चुना था और एनडीए सरकार ने तो उनसे भी ज्यादा नस काटने का काम किया है, अंदरूनी नस काट के इन्होंने धीरे धीरे खोखला करने का काम किया है। और इनका जो 7 निश्चय योजना धरातल पे, मतलब कहा जाता है कि मैं 7 निश्चय योजना, हर गली हर मोहल्ला बिजली पानी और नल जल योजना, जल जीवन हरियाली, सारा जो है ये लूट का मेन संसाधन बन गया है और इसको जनता जान चुकी है। 6 इंच के जगह पर एक तो सड़क को 2 इंच 2.5 इंच ढलाई किया गया और उस सड़क को भी 6 महीने पहले बनाया गया और अभी उसी को फिर तोड़ कर ऐसी स्थिति में कर दिया गया है कि आज जो हम वोट मांगने भी उनके यहाँ जा रहे हैं तो चलने लायक वो सड़क नहीं है, जरा सा अंधेरा होने के बाद पैदल भी चलने में उसमें मुश्किल है और दिल में भी आदमी ठोकर खा के अगर गिर जाए तो उनका दांत मुंह सब टूट जाएगा। पद को छोड़कर आप बागी होकर उम्मीदवार बने, इसके बारे में बताएं। भाजपा के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाजपा गोपालपुर में अब रह नहीं गई है, भाजपा तो सिर्फ बांध दिया गया है जदयू के हाथों, भाजपा अभी बंधी हुई है। जदयू जिस तरह से उनको जहां घुमा रही है भाजपा उस तरह से घूम रही है, इसका मुख्य वजह यहां जो है यहां का समीकरण और यहां के समीकरण को देखते हुए भाजपा यहां पर नतमस्तक हो चुकी है जदयू के हाथों। मेरा 3-4 मुद्दा चुनाव को लेकर मैं सोचकर उतरा हूं, भ्रष्टाचार और शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और सबसे बड़ी समस्या जो है गोपालपुर विधानसभा के मतदाताओं की यह है कि वो आधी से आबादी, अधिक आबादी जो है वो बाढ़ से ग्रसित है और बाढ़ से ग्रसित हो तो वो तो 2-3 महीने का खेला है, उससे भी ज़्यादा उन वो प्रभावित जो हैं उनके खेती योग्य जो भूमि है वो 10,000 एकड़ भूमि जो पर्वत्ता से लेकर इस्माइलपुर होते हुए बिनचोली बुद्धूचक गोपालपुर तीनचंगा तक जो बांध है बांधा हुआ ठोकर के नाम पर, उसमें एक स्लुइस गेट होने की मुख्य आवश्यकता थी जो कि सरकार के द्वारा उनको इग्नोर किया गया और उस वजह से 10,000 लगभग एकड़ भूमि जो कि गोपालपुर विधानसभा के ही लोगों की है वो अभी 3 महीने उसमें पानी फंसा हुआ रहेगा और खेती योग्य भूमि को दो फसल पैदा होती थी उसमें, कहिए कि अनाज का कोठी कहा जाता था उसको, और वो भूमि आज मतलब अनाज देने से बंद है क्योंकि उसमें अभी पानी भरा हुआ है। अभी विस्थापितों के लिए आपका क्या प्लान है? विस्थापितों के लिए प्रत्येक विस्थापित परिवार को 3 डिसमल जमीन और पक्का मकान सरकार के द्वारा दिलवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी और इस कार्य के लिए मैं सड़क से सदन तक आवाज उठाऊंगा, इसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा और इस मुद्दे को लेकर मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। वर्तमान में या पहले भी आपकी सरकार, पार्टी की सरकार वहाँ नहीं है तो एक बड़ी चुनौती सामना करना होगा आपको? बिल्कुल, सरकार किसी की भी हो लेकिन जो मेरा पर्सनल फंडिंग होगा वो तो मेरा कोई नहीं लेने वाला है, उसको मैं अपने काम में सही जगह पे जरूर लगाने का प्रयास करूंगा। स्लुइस गेट, रिंग बांध, इन सब मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इस कार्य को मैं पूरा करने का वादा करता हूं। अगर मैं इस कार्य को पूरा करने में असफल रहूंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा अपने फंड से तो मैं अगली बार चुनाव लड़ने मैदान में नहीं आऊँ।
आपको किनका मार्गदर्शन मिला और आप चुनाव मैदान में चले आए, राजनीति सामाजिक के बाद ये चुनावी राजनीति में? मेरे मार्गदर्शक मेरे पूर्वज, मेरे नाना जो लगते हैं, मैं उन्हीं के खून से हूं। वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं गोपालपुर विधानसभा में, और उनका कार्यशैली जो था, उनको अपने जाति से ज़्यादा दूसरे वर्गों के लोग पसंद करते थे। और वो मेरे नाना जी हैं, उनका नाम श्री मणिराम सिंह गुरुजी है, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं। मैं उन्हीं के वंशज से हूँ और उन्हीं के यहाँ मेरा ननिहाल भी है, और मैं उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए इस राजनीति में जात पात से ऊपर उठकर मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ कि आप मुझे उन्हीं के वंशज के रूप में देखें, और मैं आप लोगों के बीच उन्हीं के मार्गदर्शन के हिसाब से कार्य करूंगा, और मैं अपने जाति से ज़्यादा आपको इज्जत दूंगा, और कोई भी जातिगत बात कभी अपने दिल में नहीं सोचूंगा। इस हर समाज के वर्ग हर लोग पसंद कर रहे हैं, और आज जो पूर्व विधायक हैं हमारे, उन्हीं के जात समाज के लोग मुझे अंग्रेजी बाजा बजाकर इस्माइलपुर ऐसे जगह पर जहाँ कि मेरा कोई जनाधार नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी मुझे ऐसा सम्मान मिला जो मैं उनका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता हूँ। चुनाव तो चुनाव की बात रही, मैं सदा जब तक जीवित रहूँगा मुझे यह याद रहेगी कि मुझे इस्माइलपुर में इस तरह का स्वागत किया गया था, और अपने ही समाज के विधायक के विरुद्ध में उन्होंने मुझे अंग्रेजी बजा कर अपने गाँव में सम्मान के साथ घुमाया, और हर एक मतदाता से हमसे ज़्यादा उन्होंने अपील किया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपील किया कि आप इनको जिताएं, ये नए यंग लड़के हैं और ये आपके जो आपसे वादा करेंगे उन पर ये खड़े उतरेंगे। ये आपको ईवीएम में लोग कैसे खोजेंगे? ईवीएम में मुझे तो लोग, हर बच्चा आज के जमाने में जब 2 से 3 साल का होता है तो पहले वो झुनझुना पकड़ता है, और झुनझुना के बाद अगर कोई खिलौना है तो वह है बैट। बैट जो होता है क्रिकेट खेलने का, जो वो बच्चे को 3 साल के बाद 4 साल के बाद बैट पकड़ लेता है हर बच्चा। और जिस घर में बच्चा पहले बैट पकड़ के चल रहा हो तो उस परिवार के लोगों को चुनाव चिन्ह बताने की क्या आवश्यकता है। मेरा प्रचार तो यहाँ के बच्चे कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जाबो भैया ऐसा शॉट लगाओ कि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट फेल हो जाए, और गोपालपुर में आप झंडा फहरा दो, यहाँ के विधायक आप बनो। मेरे लिए तो बच्चा आगे बैट छाप जिंदाबाद, झाबो भैया जिंदाबाद कह रहे हैं। हमको तो उस बच्चे का भी मतलब मैं आभारी हूँ कि वो मेरे लिए इतना प्रयासरत है। आता है जो कि हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए कोई आपका कोई संदेश छोटा सा? मैं उनको अपनी भाषा में कहना चाहता हूँ, हे हो भाई इतना दिन जिद कर लो विश्वास, सब ने तोरा छलने छौ, कोई ने तोरा अपना भेलो छौ, बुझ लो जात अकर लखा घात, आब कम से कम ये शुभ रह, जात पात के राजनीति छोड़ो, जात पात से ऊपर उठी का एक बार झाबो योदा पे विश्वास तो करो, ये विश्वास पर जो खड़ा नहीं उतर लिया तो फिर तोरा बीच में हमें चुनाव मैदान में वोट मांगे ले जेबा। आरो एगो बात, हमरो नहीं कोई सारो, नहीं कोई बहनो, नहीं कोई भाई ठेकेदारी में जेता, नहीं कोई हमें कमीशन लेबो, जो कहीं सुनी लेबो तो तोरो जूता हमरो असर। अब एक रास बेसी की कहियो, ये उपजो नहीं छ विश्वास तो फिर करो वह काम, फिर भोगवे तो जानो तो।